नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी, दैनिक भास्कर गियर अप में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी आपको एक ऐसी बाइक का रिव्यू करवाने वाला हूं जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, लेकिन इसमें पावर की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिवोल्ट की RB 400 की। आज मैं इसे चला रहा हूँ यहाँ पर नोएडा में। हालांकि ये गो कार्टिंग ट्रैक है जहाँ पर इसे मैं राइड कर रहा हूँ, पर ये बाइक एक अलग एक्सपीरियंस देती है, एक अलग फन देती है। पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये इसका रिव्यू है। डिजाइन की बात करें तो आपको बता दूं, इसका जो डिजाइन है आपको शुरू में जैसे आप पहली नजर में से देखोगे तो एकदम नहीं कहोगे कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, आपको लगेगा ये कोई नॉर्मल बाइक है। और इसका डिजाइन इसीलिए इस अंदाज में बनाया गया है। जो आप एक पेट्रोल टैंक देख रहे हो, ये वाला टैंक देख रहे हो, बेसिकली इसमें बैटरी रखी हुई है तो ये टैंक, लेकिन इसमें बैटरी रखा गया है जिसमें आप कुछ अपने सामान भी रख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ उसे। और इसके अलावा जो इसका पूरा डिजाइन है, ओवरऑल डिजाइन है, आपको ट्रेडिशनल बाइक जैसे जैसी मोटरसाइकिलें आपने देखी हैं कुछ वैसा ही नजर आएगा, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है। यूनिक इस वजह से है क्योंकि जो इसका हेडलैम्प है ये थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। आपको यहाँ पे रिवोल्ट मिला लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा एक ये बल्ब है और ये बल्ब है, और ये चारों तरफ से पूरे जब ये स्टार्ट रहती है, खास करके जब राइड कर रहे होते तो दिन में भी ये जलता है, इसलिए ये आक्रामक भी लगता है और थोड़ा यूनिक भी दिखता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी दिए गए हैं, ये भी बहुत अच्छे से ऐसे लगता है जैसे किसी की आँख बनी हुई हो और ये आपको अपनी ओर जरूर लुभाते हैं। इसके मडगार्ड की बात करें तो आपको बता दूं, यहाँ पे मैं जो बाइक चला रहा हूँ ये रेड कलर की है, ये भी बहुत अच्छे से उस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है जिससे खूबसूरत भी लगे और अपनी व्यावहारिकता भी साबित करे। इस मोटरसाइकिल का कुल वजन 102 किलो का है, मुझे अपने हाइट के हिसाब से छोटी लगती है सच कहूँ तो, क्योंकि जब मैं चला रहा था तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी और ऊँची होती तो ज़्यादा मज़ा आता, बट जितनी हल्की रहेगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस निखर के आता है। इस वजह से कंपनी ने इसके वेट पर बहुत ध्यान दिया है और इसे बहुत ही कम रखा है। इसमें जो टायर दिए गए हैं 17 इंच के हैं और ये YMRF के टायर हैं, YMRF के टायर हैं, और इसे बहुत अच्छे से ग्रिप करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल बाइक नहीं है, ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और जिसकी स्पीड है ये बहुत ही लाजवाब तरीके से सामने आती है। और मैं सच बता रहा हूँ, आप इसकी पूरी स्पीड को नहीं जी सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक के पावर के साथ में एक पावरफुल बाइक है। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और जो पूरा पैकेजिंग की गई है इसके डिज़ाइन को पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। इसके डिज़ाइन में इसकी फेयरिंग बहुत ही अहम भूमिका निभाती है क्योंकि इसकी फेयरिंग के साथ में जो वेंट दिए गए हैं ये खास करके जब हवा आ रही होती है आगे से उसके प्रवाह को पीछे कर देते हैं। और यहाँ से लेके ओवरऑल आपको एक स्पोर्टी बाइक का डिज़ाइन आपको इसमें मिलेगा देखने को। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इस बाइक का नाम लिखा हुआ मिलेगा जो कि RB 400 है। ये इसकी फेयरिंग के साथ में यहाँ तक आता है। ये जो फुट रेस्ट दिया गया है ये राइडर का है और इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे थोड़ा सा पीछे आएंगे अगर कोई पिलियन राइडर बैठ रहा है, हालांकि ये सीट मुझे छोटी लग रही है पिलियन राइडर के लिहाज से, लेकिन पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे एक जगह दी गई है, उसके लिए भी यहाँ पे फुट रेस्ट है जिसे आप आराम से खोल सकते हैं। इससे अलग अलग कॉम्बिनेशन में दिया गया है, हालांकि इस बाइक में जो रेड बाइक है तो इसमें इस ब्लैक कलर में इसमें फिनिशिंग दी गई है। इस मोटरसाइकिल में भी ईंधन खत्म होता है, माना कि पेट्रोल से नहीं चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, लेकिन इसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। और जब बैटरी खत्म हो जाए तो क्या करने का है, ये इसका यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, आप यहीं से कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पार्टी में नीचे ही कहीं बिजली का बोर्ड हुआ दिया गया है तो इसे आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बाइक बता दूँ मोनोशॉक से बना हुआ है, इसका सस्पेंशन है तो मोनोशॉक है, और इसी वजह से जब इसे राइड करते हो आप तो आपको अलग मज़ा आता है, और खास करके जब रास्ते थोड़े से ख़राब हो तो वहाँ पे भी आपको ये सपोर्ट करती है। आप सबको पता है कि बाइक में इंजन कहाँ लगता है, अमूमन यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है तो इसका मोटर दिया गया है और ये मोटर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें जो चाबी है आपके जेब में रहेगी, लेकिन ये पावर बटन है जिसे दबाने के बाद ही आप इस बाइक को ऑपरेट कर पाएंगे।
आइए अब आपको दिखाते हैं कि इसकी बैटरी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चाबी की जगह दी गई है, आप इसे घुमाइएगा, ये खुल जाएगा। और इसके बाद में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये निकाल लीजिए, ये पार्ट अलग हो गया। और यहाँ पे इसे अनप्लग कर दीजिए, ये बैटरी से प्लग था, इसको मैंने अनप्लग कर दिया। और ये बैटरी निकाल लीजिए, ये बैटरी लगभग 16 किलो की है, तो मैंने इसको निकाला यहाँ से। और ये उस समय आपको निकालने की ज़रूरत है जब आप कहीं हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, आपका 11 मंजिल, 12 मंजिल, 15 मंजिल है और आप नीचे चार्जिंग पर नहीं लगा सकते हैं, तो इसे ऊपर ले जाइए और चार्जिंग पर लगा दीजिए। तो दोस्तों आइए इसको चला कर देखते हैं। दोस्तों ये थी रिवोल्ट की RB 400, जिसका मैंने आपको रिव्यू करवाया। आपको बता दूं, ये इस तरीके के जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे आपको ये कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है, बहुत अच्छे से कॉर्नरिंग करती है, बहुत मज़ा आता है। खासकर के राइड करते हुए जब थोड़ा सा मौका मिलता है, आप थोड़ा ऐसे होते हैं, लीन होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये कम्फर्टेबल लगेगी। और एक चीज़ बताता चलूँ, जिसका पावर आउटपुट है वो 9 BHP का है। इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा कुछ बोला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी लगभग 9 BHP की ये शक्ति देती है। आशा करता हूँ आपको हमारा रिव्यू पसंद आया, अच्छा लगा। अगर आपको पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या इस बाइक से संबंधित कोई आपके मन में सवाल है, तो मुझे तुरंत लिखें। मेरा ईमेल आईडी है amit.dwivedi@dainikbhaskar.com।